जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में निगरानी समिति कार्य एवं उत्तरदायित्व विषयक जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एनएक्सी भवन के सभागार में किया गया। कार्यशाला में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने निर्देश दिया कि प्रत्येक तहसील एवं ब्लॉक स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम हर हाल में 17 मई तक पूरा कर ले और प्रशिक्षण के उपरांत ग्राम स्तर पर गठित निगरानी समिति के साथ बैठक कर उन्हें किए जाने वाले कार्यों से अवगत कराएं। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रवासियों की जनपद में लौटने पर उनकी निगरानी एवं सहयोग हेतु ग्राम मोहल्ला समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ, नायब तहसीलदार, समस्त एडीओ व तथा अन्य अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजित करते हुए निगरानी समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण पर्यवेक्षण कराएं। प्रत्येक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक दिवस कम से कम 3 से 5 निगरानी समिति के साथ बैठक करेंगे। नगर आयुक्त एवं समस्त ईओ अपने कार्य क्षेत्र को भी जोन में विभाजित करते हुए एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे जो निगरानी समिति के साथ बैठक कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्रामीणों को जागरूक तथा बाहर से आए व्यक्तियों क्वारंटाइन हेतु घरों में रहने के लिए निर्देशित किया जाए और होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को घरों के मुख्य द्वार पर क्वारंटाइन स्टिकर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। यदि होम क्वारंटाइन प्रवासी को खाने पीने में कोई समस्या हो तो उसे आपूर्ति विभाग के माध्यम से पूर्ण कराएं और यदि होम क्वारंटाइन हेतु व्यक्ति के पास जगह उपलब्ध न हो तो उसे प्राथमिक विद्यालय से क्वारंटाइन किया जाए। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों का विवरण प्रत्येक CSC PSC पर भी रखा जाए। साथ ही आशा एवं ANM के पास अपने कार्य क्षेत्र की सूची अनिवार्य रूप से रहेगा। कार्यशाला में ADM FR राजेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी EO, BDO एवं विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने बताया। इसकी निगरानी करते वक्त भी देखना है, चौथे पांचवे दिन उसको अगर सिम्टोमेटिक होता, सिम्टोमेटिक मतलब खांसी, बुखार, गले में खराश या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इमीडिएटली इन्फॉर्म और उसकी हम सैंपलिंग कराएंगे तुरंत। जाकर के हेलो हाई करती रहेगी, आपको भी कोई काम करना है, ऐसा थोड़ी एक डेली का बैठे रहना है। निगरानी समिति एकदम ये ना चले, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक जगह जाएंगे, दूसरे ट्रक से आएंगे, तीसरा पैदल से आएगा, वो तीसरा काम है जिसमें डेड बॉडी को हम लोगों ने जलवाया और चार लोगों की रोज सर्जरी हुई, वही 5 भाग है। 5 भाग में पता चला कि ट्रक में थे और 5 भाग के 5 लाख निकले। अब 5 लाख निकले कि यही खतरनाक हो गया, इसमें से 4 भाग के पास की नहीं मिल पाया। अब वो चारों जा रहे 2 दिन घूमे हैं, अब तो हमारे लिए समस्या होगी ना। क्या निगरानी समिति के मेम्बरों काम करेंगे तब तो काम होगा, नहीं जैसे वही आदमी काम लिया ड्यूटी लग गया है चलो कर लेते हैं तब तो भैया नहीं हो पाएगी निगरानी, क्योंकि ये अंदर से आपकी इच्छा होगी तभी आप निगरानी करें। जैसा कि आज का ओरिएंटेशन है निगरानी समिति के बारे में, मीडियम सर ने और सीओ सर ने लगभग इसका पूरा सारांश बता दिया। निगरानी समिति का जो जीओ आया था मुख्य सचिव महोदय द्वारा 1 तारीख को, तो उसके अंतर्गत ये आशा था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो जो जिनमें कुछ हल्के फुल्के लक्षण हो तो उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन के बारे में उनको भेजा था, और दूसरा वो कि जिनके में लक्षण नहीं है तो उनको होम क्वारंटाइन के बारे में एक जीओ आया था। एक तरह उसी जीओ पर बात ये देखा गया कि बहुत सारे लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग जैसे ऐसे मोशन ने बताया कि ज़्यादातर लोगों को तो ट्रैक कर लिया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए कि जो डायरेक्ट अपने घरों तक चले गए और वो हमारे पहुंच में नहीं आ, तो उसके लिए क्या हुआ कि 12 तारीख के फिर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने एक जीओ जारी किया। तो इसकी ये इसके जीओ दोनों ऊपर देखेंगे तो PDF का अटैच है, जरूरत होगी तो इसको बात करेंगे। तो ये हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हुआ, मैंने शेयर किया था उसके, एक आदमी को हल्का फुल्का बुखार सभी हुआ, उसने क्या किया अपने आप को कमरे में बंद करके पुलिस आए और मुझे उठा के लेके चली गए। ऐसे ही हमारा जो निगरानी समिति है ना, हमारा जो है कि उन्हें क्या करना है ये भी थोड़ा सा उनको जानने की जरूरत है। तो इसी क्रम में आज का ये जिला स्तरीय प्रशिक्षण बुलाया गया है। अब इसके बाद से हमारा अगला स्टेप ये है कि अधिकारी जो होते हैं उनके माध्यम
माध्यम से समस्त प्रधानों का ओरिएंटेशन कर दे। और दूसरा यह है कि जो शहरी क्षेत्र में है ईओ सर, जो ईओ लोग हैं, वो अब इन्हीं के माध्यम से ये दोनों निगरानी समितियां काम करें नहीं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी 7 दिनों के लिए प्रेजेंटी क्वारंटाइन, और उसके बाद से अगर जो उनकी जांच निगेटिव आती है तो 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन की बात लगभग बन गई। लेकिन जो सुचारू रूप से जिस तरह से कार्य करने चाहिए वो सुचारू रूप से कार्य नहीं। अब इसके चूंकि आप लोग इस मोहल्ला निगरानी समिति और ग्रामीण निगरानी समिति बन चुकी है, उसके सदस्य डिसाइड हो गए हैं, कुछ जगह पे शिक्षा विभाग के लोग होंगे, वहाँ पे चौकीदार जो ग्राम के होते हैं वो होंगे, सारे क्षेत्र में ऐसे ही जो सभासद के पास से आंगनबाड़ी आशा सिविल डिफेंस को हमने भी फील्ड में पाया, आप लोगों ने भी देखा, प्रधान को थोड़ा बहुत पता है और आशा आंगनबाड़ी को थोड़ा बहुत, लेकिन कौन है उसके सदस्य उनको उन्हीं को नहीं पता है। उनको पेपर लेकर उन्होंने जाना है कि जो लोग आए हैं बाहर से और उन्होंने अपने घर में बोला खुद आए घर में लोग बना के छत से टेंट डाल के रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दो तरह के लोग जैसे मैंने बात किया, एक जो खुद को छुपा रहे हैं, एक दूसरे वो लोग हैं जो जागरूक हैं, लोग आप जानते हैं, वो जानते हैं कि हम अगर संक्रमित हुए तो हमारे परिवार के लोग संक्रमित हो सकते हैं, तो वो अपनी बात को जैसे भर देते ताकि वो लोग आसानी से अगर लोगों को अप्रोच करना हो तो कर। जागरूकता, क्योंकि गांव में भी बहुत सारा अभी जो भ्रम की बात हो रही थी, डर की बात हो रही थी, तो अभी भी बहुत डर, कुछ लोगों में डर है, कुछ लोग निडर है, तो निडर को क्या करना है, हमें समझा के रास्ते जो एक्टिविटीज हैं जैसे मुनादी कराना, ऐलान कराना, ये सब चीजें हो। सर निगरानी समिति का क्या? देखिए गांव में हम लोग, यहाँ तो हमारा 3000 गांव हैं यहाँ, एंड सब बड़ा प्रदेश है, हम लोग को प्रदेश में दूसरा नंबर में एक तरफ से गोरखपुर का जनसंख्या के हिसाब से गिनते हैं, 7 लाख जनसंख्या है यहाँ, तो 3000 हमारा ग्राम पंचायत है, करीबन 1500 हमारा ग्राम पंचायत समिति बनी हुई है उसको, और उस पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ का जिम्मेदार जो कर्मचारी अधिकारी इंक्लूडिंग जनप्रतिनिधि, मान लीजिए प्रधान है, राशन डीलर है, वहाँ का जो आशा है, ये एएनएम है, मेरा लेखपाल है, सचिव है, रोजगार सेवक है, सबको एक सतर्क बना करके एक समिति बनाए, एक निगरानी समिति हम 2 महीने पहले भी बनवा चुके हैं। एक समिति का यही मकसद होता है ताकि बहुत जरिए से लोग पहुंच जाते हैं गांव में, ट्रेन के जरिए से, बस के जरिए से, कुछ लोग पैदल भी है, कुछ लोग साइकिल से भी है, हमें पता ही नहीं चलता तो गांव में कोई आदमी पहुंच गया कि नहीं। ये निगरानी समिति सतर्क रहते हैं, वो तुरंत उन लोग का स्कूल में रखेंगे, वहाँ का मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करेंगे, हमारा टीम जा करके उनका सैंपल लेना तो लेती है, चेक करना तो करती है, उसके बाद उनका होम क्वारंटाइन में छोड़ देती है, और होम क्वारंटाइन में वो आदमी है क्या नहीं उसको वो समिति सतर्क होकर के निगरानी कर करके उसको अनुपालन सुनिश्चित करती है, उसी की वजह हमारा बीमारी गाँव में नहीं फैलती है। इसलिए निगरानी समिति के हम बार बार सतर्क कर रहे हैं, हम भी घूम करके देख रहे थे, आप ही को भी मैं अपील करता हूँ, ये निगरानी समिति आपको तो है बट सभी परिवार सभी जन का ये जानकारी होना चाहिए था, ये कोरोना बीमारी के जानता कि इसका अभी भी इलाज हम लोग के पास नहीं है, हम कैसे जो अफेक्टेड आदमी से दूर रहें, हमें बचा के रखें, इससे ही ये जो ये संक्रमण का जो छड़ी है वो टूट पाएगा, यही मैं अपील करता हूँ, आप थोड़ा सतर्क रहिए, दूरी बनाए रहिए। सब कुछ जो करते हैं गांव में और सब कुछ बस लोग कुछ फोन नहीं करते हैं, झगड़ा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, देखिए हमें 112 नंबर पुलिस का नंबर आप आराम से जो कर सकते हैं हम लोग, उसके अलावा हमारा एसडीएम का नंबर है, मेरा नंबर है, और कंट्रोल रूम वहाँ भी बना हुआ है, जनपद में भी कंट्रोल रूम बना हुआ है, किसी भी नंबर में आप संपर्क करें, हम लोग तुरंत अटेंड करेंगे, ताकि इस समय में कोरोना ही टॉप प्रायोरिटी है, कोरोना के संबंधित और कोरोना के संक्रमित और जो भी विषय आता है हम लोग बहुत सतर्क से संवेदनशीलता से वो डील करते हैं, कहीं से भी खबर मिलता है कृपया करके हमें शेयर कर लें।